आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो प्लांट सेल्स होती है, ठीक है भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी पृथ्वी पर, उसमें दो कैटेगरी बनती है, मेन प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्लांट्स के अंदर जो सेल होती है उसमें सारी ऑर्गनली सेम नहीं होती जो एनिमल सेल में है, ठीक है फ्रेंड्स। जनरेट करने वाली जो ऑर्गनली होती है उन्हीं में से एक ऑर्गनली है जो प्लांट सेल के अंदर मिलेगी आपको, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। यही हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे कितने आसान तरीके से हम प्लांट सेल की एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गनली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है ना कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको मालूम होने चाहिए इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम तुषार, तुषार भारद्वाज, और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर उनके नाम देखते हैं। स्ट्रक्चर है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की, जितने भी इंपॉर्टेंट नाम हैं वो सारे मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, एक बार देख लेते हैं उसको। सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जस्ट अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस अगर आप ये नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह है ना उसको बोल रहे हैं हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मतलब दो के बीच में। जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है ना, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको ऐसे स्टैक्स दिखाई दे रहे होंगे जैसे कॉइन्स है ना, वन बाय वन हम प्लेस करते हैं साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम। लेकिन ग्रैनम तो सिंगल को बोल रहे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पर तो उसको बोलेंगे ग्रैना। तो ग्रैनम सिंगल के लिए और ग्रैना मल्टीपल के लिए।
अब इस स्ट्रक्चर में स्ट्रोमा हो चुका है, ग्रैनम हो गया है, यहाँ पर आपको ऐसे छोटे छोटे से ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पीस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पर है लैमिला, लैमिला किसको बोल रहे हैं, एक ग्रैनम का दूसरे ग्रैनम के साथ जो कनेक्शन है, जो ऐसे ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये है लैमिला। अच्छा, आप इसको है ना स्ट्रोमा लैमिला नाम भी दे सकते हैं या फिर शॉर्ट में लैमिला बोल दीजिए, ठीक है। थाइलाकोइड क्या है, ये जो सिंगल स्टैक बना हुआ जिसको हमने ग्रैनम नाम दिया है, इसमें जो लेयर्स है उन पर्टिकुलर लेयर्स को क्या नाम देंगे आप, थाइलाकोइड, और थाइलाकोइड के अंदर आपको मिलता है क्लोरोफिल, इसकी वजह से पौधे ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, ईजीज है। बाकी यहाँ पर डीएनए की स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है राइबोसोम से, तो आई थिंक आपको क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है कैसे ड्रॉ करनी चाहिए, कैसे हमें उसकी शुरुआत करनी चाहिए, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट नाम है वो भी आपको मालूम हो गए हैं, और अगर आप स्ट्रक्चर को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो यकीन मानिए डायग्राम बनाना बहुत ईजी हो जाएगा जब आपके एग्जाम में ये आएगा। ये एक ऐसा डायग्राम है जो हर एक क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्टिक जनरल स्ट्रक्चर होती है, प्लास्टिड वैसे देखिए 3 प्रकार का होता है, उनमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी अच्छे से आ गई है, आप बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई हैं, अगर आपको आज की वीडियो का टॉपिक क्लियर हो गया है, आप बहुत आसानी से बना पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोशिश की जाएगी जल्द से उसी टॉपिक को कवर करने की। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, थैंक्स।